सब सबको जोहार। मी मराठी जास्त बोलणार आहे, गोंडी भाषा आहे कोया, तो कोया बोलेंगे तो मराठी वाले उनको समझ में नहीं आएगा, हिंदी वाले उनको मिल गया। मेरे को हिंदी भी नहीं आता, इंग्लिश बिल्कुल नहीं है। तुम इंग्लिश टू इंग्लिश बोलेंगे तो मैं गोंडी टू गोंडी बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं शुरू करता हूँ, ये सबको जोहार नमस्कार। तो वो मेंढा लेखक का जो है ना, मैं प्रबोधन नहीं करेगा, जो काम हुआ है वही मैं बोलने वाला है। मैं किताब का बोलने वाला नहीं है और काल्पनिक नहीं है, जो हुआ वही मैं बोलने वाला हूँ। हम कोया आदिवासी हैं, मूल निवासी, और भाषा भी अलग है। मेरा शब्द भी सुनने में आपको बहुत दिक्कत लगेंगे और समझ में नहीं आएगा। तो मैं सुनता हूँ कि वो छोटा सा गांव है, पूरे आदिवासी हैं, वो महाराष्ट्र के लास्ट में, वो विदर्भ में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ है बहुत। तो इसमें तो जंगल से ही ये लोग, हम लोग जीने वाले लोग हैं, जंगल बिना जी नहीं सकते हैं। जंगल ही हमारे माँ है, धरती माँ है, पानी जंगल, इसको सब परंपरा से नैसर्गिक नियम से वो लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वो ये समाज हैं, वो खेती करने वाला समाज नहीं था, जंगल से जुड़ के जीने वाले था। तो उसमें मैं हूँ, तो पहले हमारे गांव में ऐसे पुलप्यांड वाले गांव में आए तो मैं भी जंगल में भाग के जाता था और गांव वालों भी भाग के जाता था। अभी वो थोड़ा वहाँ रुके हैं। तो जंगल जो है, ये जल जंगल जमीन से, ये हमारी संस्कृति का एक आदिवासी का रीति रिवाज से वो चलते आ रहे हैं। बिना पूजा किए बगैर कोई भी काम नहीं करते हैं, मोवा भी उठाते नहीं, कोई घास काटना है तो पूजा ही करते हैं इसी तरह से करते हैं। तो बाद में क्या हुआ है, ये जो पहले तो कोई उनको मालूम नहीं था, जैसे कुएं का मेंढक जैसा हम लोग थे, तो बाहर का कोई समझ में नहीं आता था। फिर बाद में वो गुलाम थे बोलते हैं, हमको गुलाम मालूम नहीं थे, हम तो आज़ादी जैसे ही गांव में देते दे। वो आज़ादी मिलने के बाद हम गुलाम जैसे जीने लगा, देश आज़ादी गांव गुलाम हो गए हैं, तो न समझने के कारण। तो इससे हमारा फॉरेस्ट और गांव वालों का टकराव हुआ। फॉरेस्ट अड़ंगा लगाया कि जंगल में मत जाओ और लकड़ी मत लगे, और उसके उससे कुछ घुसखोरी भी देना पड़ता था, इससे संघर्ष हुआ था। बड़े बड़े लोगों ने मोर्चा निकाला है, सब किया, हम उससे भी सहभागी हुआ हमारे गांव के लोग। उसका मेन मुद्दा जो है ये करना है, तो अध्ययन करना है सबको, बिना अध्ययन से कुछ भी काम करना, हार भी खाना मार भी खाना। हम इससे अध्ययन से, अध्ययन का मतलब क्या होता है, मराठी में होता हूँ, जीवनाला भेड़सावनारे प्रश्नावर, विचार करने मंजे अध्ययन करने अभ्यास करने। जीवन में इतना सवाल खड़ा आता है, अलग अलग व्यक्तिगत में होता है, गांव का, समाज का, सरकार का, सबका होता है, उस पर सोचना। सोच करके हमने क्या किया कि ग्राम सभा में हमारा सर्वसहमति से निर्णय लेते हैं, एक भी आदमी यहाँ विरोध ना हो, अगर विरोध होगा तो काम नहीं होगा, वो रुक जाएंगे क्या, नहीं रुक जाता है। जो सर्वसहमति से निर्णय लेना है तो एक आदमी विरोध करेगा तो भी काम नहीं होता, विरोध करने से नहीं चलता, उनको बोलना पड़ेगा सबके सामने क्यों विरोध कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं। कि और सहमति देने वाले लोग जो है उनको भी पूछना पड़ता है, आपको आप क्यों सहमति दे रहा है, किस कारण से दे रहे हैं। नहीं तो ऐसा है, पुढ़ारी सही है, एक आदमी बोल दिया तो सब लोग मुंड के हलाते हैं, ऐसा नहीं करना, बोलना पड़ेगी, चर्चा करने पर सवाल खड़ा करना पड़ेगी, सवाल साधना पड़ेगी। विरोध जो होता है तो विरोध अनजान से भी होता है, उसका हमने सर्वसहमति से निर्णय लेके काम कर रहे हैं। तो ऐसा सवाल आ रहा है कि दुनिया में सर्वसहमति नहीं हो सकता तो तुम गांव की बात क्या कर सकते हैं। ऐसे आईएएस अधिकारी, सैकड़ों आईएएस अधिकारी, वैज्ञानिक, संशोधक, यह सर्वसहमति पति पत्नी का नहीं होता है तो गांव की बात क्या कर रहे हैं।
भाई आपका मन में तो नहीं होता है तो करके देखो ना, हमने सामने करके देखा, कोई भी विरोध में नहीं जाता है, वो करना एक रास्ता बनाना है सबके लिए बनाना है, तो वहाँ एक आदमी विरोध करता है तो हम उसको विरोध नहीं करते हैं, उनसे समझ लेते हैं क्यों विरोध करते हैं, विरोध करते हैं तो वो रास्ता तो सबके लिए है तो विरोध क्यों है। तो इसका सभी लोगों ने चर्चा करना, एक दूसरे से संवाद साधना बहुत गहराई से हर बार आपको वो हुआ है। इसमें हम पेपर मिल होता है ना उनसे भी थोड़ा संवाद से हमने उनको बाजू में निकाल दिया, वे कानून से सरकारी कानून है वही कानून से कि गांव वालों का ग्राम का जंगल और जमीन पर अधिकार कानून में है, लेकिन मानते नहीं थे, अकेले अकेले नहीं बोल पाते थे हम, तो इसीलिए सामूहिक अध्ययन और सामूहिक निर्णय सामूहिक कृति जमीन पर, जब जमीन पर काम होगा तभी यह रिजल्ट लगता है। तो ऐसे अधिकारी बहुत सारे IAS अधिकारी आइए, अलग अलग लोगों ने वहाँ आए हैं, लेकिन चर्चा करना उससे फिर सीखते जाना, काम करना सीखना, और ये ऐसे भी हमको सीखने के निकाल, एक गांव में 17 डिपार्टमेंट, एक गांव में 17 पार्टी, एक गांव में 17 से 60 संस्था, इतने लोग होते हुए भी वहाँ रास्ता भी बराबर नहीं, पानी नहीं मिल रहा है, क्या है ये गड़बड़। तो उससे अध्ययन सब मिलके किया, गांव वाले, सिर्फ गांव वाले नहीं, अध्ययन में दुनिया के लोग सहभागी होता है, अधिकारी भी होता है, संस्था के प्रतिनिधि होता है, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ बैठे हैं, ये हमारे मित्र है, इसके झलके बारे में तो वो किया। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि संघर्ष हुआ फॉरेस्ट और हमारा, फॉरेस्ट वाले बोले हमारा जंगल, गाँव वाले बोले हमारा जंगल, तो इसमें शब्दों में संघर्ष बढ़ गई। तो उसमें हम तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो फॉरेस्ट के अधिकारी रेंजर DOPO CCM जो तुम्हारे जंगल नहीं है, ये सरकारी जंगल है, सरकारी जंगल, सरकारी जमीन, सरकारी सब है, ये हमारे सामने सवाल खड़ा हुआ, ये क्या है भैया, ये जंगल सरकारी, पानी सरकारी, रास्ता सरकारी, सब जमीन सरकारी, सब सरकारी, हमका आदिवासी भिखारी, यह सवाल सामने आया। तब सामने आके फिर उनको पूछा तो वो बताने के लिए अधिकारी तैयार नहीं थे, फिर सिर्फ कागज़ दिखाते थे, हम कागज़ को नहीं जानते हैं, हम जंगल और ज़मीन को जानते हैं। और इसमें ऐसा हुआ, वो बोले तुम्हारा पुरावा क्या है तुम्हारे पास, अधिकारियों ने बोला तुम्हारे क्या पुरावा है, तो गाँव वाले बोले तुम्हारे पास क्या पुरावा है, वो बोला कागज़ दिखा देते हैं, तो कागज़ हमको नहीं समझता है, तो उसको बोल दिया गांव वाले कागज़ तुम्हारा, जल जंगल जमीन हमारा, हम जंगल को संभालता, आप कागज़ को संभालो, ऐसे कह दिया। तो और भी इसका संघर्ष ये हुआ, फिर पढ़े लिखे लोग हैं ना, अध्ययन करने वाले शिष्य है, रेंजर है, DOPO है, यहाँ बैठे हुए लोग इतना जानकारी लोग थे, वो फिर आए ये क्या गड़बड़ है यहाँ, तो नहीं भैया हम हमारा ये जल जंगल जमीन यही हमारा माता है, जंगल कितने भी जमीन कितने भी लोग आएगा तो भी माँ उसको दूध पिलाती हैं, वो उससे ही हम जिंदा रहते हैं, तो हम जंगल को काटने के लिए नहीं देगा। पेपर मिल काटने के लिए आया था, और भी लोग आए थे ठेकेदार, उनको भी मना कर दिया, वो हमारे पर कार्रवाई किए, लेकिन कार्रवाई किए तो हम क्या मुला, सब लोग एक कट्टा बैठिए, उसको कन्वर्जन समिति बोलते हैं, सब पुलिस, वन विभाग, रेवेन्यू विभाग, पंचायत विभाग, शिक्षण विभाग, सब विभाग एक जगह बैठो, क्या है अकेले अकेले आते, कोई सवेरे आता है, कोई दोपहर को आता है, कोई शाम को आता है, तो किसको सुनेंगे गांव वाले। तो इसके लिए हमने ये किया कि और ये सर्वसहमति और स्वयं शासन, दिल्ली और बम्बई में हमारी सरकार, हमारे गाँव में हम ही सरकार, जल जंगल जमीन गांव समाज का अधिकार, पेशा और वन अधिकार, इसको अमल करने में सर्व सहभागी लोकतंत्र है, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नेंस होना चाहिए। हम सर्व सहमति का निर्णय इस करके सब हमने, पानी अकेले का नहीं है, प्राकृतिक संसाधन जंगल जमीन पानी एक आदमी का मालकी नहीं है, सामूहिक है, व्यक्तिगत मालकी विसर्जित करके गाँव का मालकी कर दिया गया है, जरूरत के लिए आप ले लो, कितना लेता है उतना लो, इस तरह से हमने किया।
और ज़्यादा मैं बोलता नहीं तो बोलने लगा तो ज़्यादा ही बोल देता है, ऐसा ज़्यादा बोलना भी भ्रष्टाचार बन जाता है। जय जोहार, सेवा जोहार, जय भीम, जय सेवा, जय साईं।